भारतीय प्रवासियों की बात करें और सर शिवसागर रामगुलाम का नाम जहन में ना आए, ये शायद ही मुमकिन है। बिहार के हर गांव से ताल्लुक रखने वाले शिवसागर ने मीलों दूर न सिर्फ भारत का नाम रोशन किया है, बल्कि यहां के लोगों की दिशा और दशा भी बदली है। यही कारण है कि हिंदू धर्म के अनुयायी और मॉरिशस में प्रधानमंत्री रहे शिवसागर रामगुलाम को मॉरिशस का भीष्म भी कहा जाता है। उनकी पुण्यतिथि पर पेश है ये खास रिपोर्ट। मॉरिशस के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले सर शिवसागर रामगुलाम का जन्म बेली रिव में 18 सितंबर 1900 में हुआ। इनके पिता मोहित रामगुलाम को रोजी रोटी की तलाश में मॉरिशस जाना पड़ा। यहां उन्होंने गुलाम जी से जीवन के संघर्ष की शुरुआत की, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि गुलाम का बेटा ही मॉरिशस को आजादी दिलवाएगा। शिवसागर रामगुलाम शुरू से ही हिंदू संस्कृति विचारधारा से जुड़े रहे, यही कारण रहा कि उनका मन हमेशा भारत से जुड़ा रहा। मॉरिशस के महानायक डॉक्टर शिव सागर रामगुलाम को आज हम याद करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि जो भारतवंशी आज के 150 साल पहले मॉरिशस गए थे, गुलाम बनकर गए थे, उनके वर्चस्व को स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान डॉक्टर शिव सागर रामगुलाम का रहा। उन्होंने मॉरिशस को आजादी दिलाई और आजादी दिलाकर वहां भारतीयों का राज कायम किया। मॉरिशस में 62% भारतीय है, शेष पुर्च हैं, अरब देशों के मुस्लिम हैं, कुछ चीनी हैं, कुछ फ्रांसीसी हैं। 21 साल तक डॉक्टर शिव सागर रामगुलाम वहां के प्रधानमंत्री रहे, और आज मॉरिशस जाएं तो लगता है कि हम भारत दूसरे भारत में आ गए। भारत सरकार के गहरे इंटरेस्ट थे भारत के मॉरिशस में। वहां पर विश्व हिंदू हिंदी संस्थान की स्थापना उन्होंने कराई, महात्मा गांधी संस्थान की स्थापना कराई। वहां हिंदी बची रही और हिंदू बचे रहे, भारतीय संस्कृति बची रही, इसका सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर शिव सागर रामगुलाम को जाता है। मॉरिशस के भाग्य विधाता रहे शिव सागर रामगुलाम हिंद महासागर क्षेत्र के महान नेता और राजनीतिज्ञ थे। वे मॉरिशस को राज्य का दर्जा मिलने पर पहले मुख्यमंत्री बने। इसके बाद 1961 से 1982 तक मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी बने और जनरल गवर्नर का दायित्व भी निभाया। हिंदू विचारधारा से जुड़े होने के कारण वो कभी भी अपने लोगों को नहीं भूले और बिहार के लोगों को तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई। बिहार वासियों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमें सड़क, पानी, बिजली और स्कूल जैसी मूलभूत सुविधाएं इतनी जल्दी और आसानी से मिल जाएंगी। शिव सागर जी ने बिहार वासियों को मॉरिशस में स्थापित करने में भी अहम योगदान दिया है। अनिरुद्ध जगन्नाथ के नेतृत्व में और हरीश बुधु के नेतृत्व में दो अलग अलग पार्टियां बनी। उन्होंने चुनाव जब लड़ा तो 60 की 60 सीटें पार्लियामेंट की शिव सागर रामगुलाम की पार्टी हार गई, लेकिन जब अनिरुद्ध जगन्नाथ प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु और देश के भीष्म पितामह को राष्ट्रपति का पद दिया। मॉरिशस के गवर्नर जनरल रहे, मॉरिशस के प्रधानमंत्री रहे, डॉक्टर शिव सागर रामगुलाम की वजह से ही अमेरिका डियागो गार्सिया में सैनिक अड्डा नहीं बना पाया, क्योंकि वहां पर भारतवंशियों की और भारत के हितों को देखने वालों की जड़ें इतनी गहरी हो गई थी। मुझे भी एक बार मॉरिशस जाने का मौका मिला दिवाली के समारोह में राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के साथ। वहां मैंने प्रत्यक्ष देखा कि किस तरह डॉक्टर शिव सागर रामगुलाम को मॉरिशस के लोग महात्मा गांधी की तरह अपना राष्ट्रपिता मानते हैं। आज हम उनको नमन करते हैं, भारत की ओर से, भारतीयों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शिव सागर रामगुलाम के बेटे नवीन चंद्र रामगुलाम भी मॉरिशस के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। 2008 में नवीन चंद्र रामगुलाम सपरिवार 3 दिवसीय बिहार दौरे पर आए, जहां उन्होंने भारत की मिट्टी को सर पर लगाकर अभिनंदन किया और अपने पिता सर शिव सागर राम गुलाम की प्रतिमा का अनावरण भी किया और कहा कि वो यहां बार बार आते रहेंगे। मीलों दूर रहकर भी अपनी जमीन से जुड़े रहने वाले सर शिव सागर राम गुलाम 15 दिसंबर 1985 में हमसे जुदा हो गए, लेकिन आज भी भारत में उन्हें मॉरिशस के जितना ही याद किया जाता है, खासकर बिहार वासियों के दिलों में उन्हें खास जगह बनाई है। ऐसा इसलिए कि उन्होंने अपने राज्य के लोगों के विकास में
कोई कमी नहीं छोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन टीवी न्यूज़।